तो दोस्तों आज है सनी देओल का बर्थडे और यहाँ पे देखिए अपने ऑफिस जो है सनी विला वहाँ पे निकले हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा है और यहाँ पे हम भी आए हैं तो सोचे आप लोगों को ब्लॉग बनाकर दिखाऊं। तो देखिए यहीं पे है सनी देओल, आप भीड़ में देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरफ कैप जो टोपी पहने हुए हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया है। हमें भी बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की चल लग रहा है। और दोस्तों ये जो है उनका विला है जिसका नाम सनी विला है, सनी सुपर साउंड, जिसमें डबिंग वगैरह का काम होता है मूवी का। तो यहीं पे अपना बर्थडे मना रहे हैं लोगों के बीच, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ हो गए हैं और वहाँ पे खड़े हैं व्हाइट शर्ट में और कैप पहनकर, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आज के दिन में इनका बर्थडे है तो आप इनके इस ब्लॉग को पूरा अच्छे से शूट करके हम आप लोगों को अच्छे से दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो उनके बेटे हैं वो भी उत्कर्ष यहाँ पे आ गए हैं। और दोस्तों देखिए काफ़ी शानदार इनका ये है, अंदर बर्थडे मनाने जा रहे हैं सनी देओल का। तो चलिए आपको अच्छे से दिखाते हैं ब्लॉग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं, सनी देओल का बर्थडे है तो अभी वो अपने सनी सुपर साउंड में है और अभी हम उनके सनी सुपर साउंड के पास चलेंगे और उनके जो बर्थडे है उसका पूरा ब्लॉग जो है शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे वासी में, उनका सनी सुपर साउंड है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप लोगों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाएंगे, साथ ही उनके बारे में और सारा कुछ जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को दिखाते हैं सनी देओल के बर्थडे को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और सब लोग जो है गदर 2 के फिल्म का जो अभी है जी टीवी पे बीता है, इस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं सनी देओल का जो फैंस है वो सभी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। और यही उनका जो सनी सुपर साउंड है जिसमें डबिंग वगैरह का काम होता है, तो वो इसमें बर्थडे आज मनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो उनके फैंस है वो इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ये बड़े मीडिया वाले हैं तो ये तो बाहर भी शूट कर ही रहे हैं, ये लोग अंदर भी जाएंगे और दोस्तों हम भी अंदर जाएंगे और अंदर का पूरा उनके जो ऑफिस है उसका ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले इनके बारे में कुछ सुन लीजिए। ये 2.5 किलो का हाथ है, ये जब किस पर पड़ता है ना तो उठता नहीं, उठ जाता है। आप बोलो, वापस बोलो, डायलॉग बोलो। जीते ये 2.5 किलो का हाथ है। मसाले की एक तो मारा क्या, साथियों के साथ भाई बिल में घुस गया, छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों देखिए ये उनका डायलॉग बोल रहे हैं, हर मूवी उनकी देखते हैं और जैसे गदर 2 तो आई थी, अब हम सबको गदर 3 का इंतजार है और वाहेगुरु हमेशा चढ़ती कला तरीके। सनी जी हैप्पी बर्थडे सर, और मेरी ये फोटो, ये देखिए उनके साथ का फोटो अपना दिखा रहे हैं और ये उनके बहुत बड़े फैन हैं इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। गदर 3 मूवी का इंतजार सबको है, वो डेफिनेटली और ब्लॉकबस्टर होगी और ज्यादा ब्लॉकबस्टर होगी। और बाजार टू इंतजार है, बाजार टू गदर 3 का सबको इंतजार है। अभी एक साथ गदर 2 ब्लॉकबस्टर और गदर 3 का सबको इंतजार है। तारा सिंह को गोद में ले लूं मैं। तो ये देखिए तारा सिंह के बेटा बने हुए हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हुए हैं अपना गदर 2 के रिलीज होने के बाद, सब खुश है और 3 का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। गदर 2 हिंदुस्तान ब्लॉकबस्टर होगी, वो भी आएगी, उसका हिंदुस्तान जिंदाबाद। गदर 3 का इंतजार सबको है, सबको बेसब्री से इंतजार है, गदर 3 आनी चाहिए और आएगी डेफिनेटली। और ये तारा सिंह छोटा तारा सिंह आप देख सकते हो, ब्लॉकबस्टर छोटे तारा सिंह तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सनी देओल के बर्थडे के लिए यहाँ पे पिट्टी बज रहा है, ढोल बज रहा है और ये भाई साहब सनी देओल के फैन लग रहे हैं और अपना डांस कर रहे हैं। तो यहाँ का कुछ इस प्रकार का माहौल है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों फाइनली अब देखिए सनी देओल जो है वो इसी गाड़ी में है, आप लोग देख सकते हैं।
और यहाँ पे अंदर में धीरे धीरे एंट्री हो रहा है और सब लोगों से मिलेंगे भी। और यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा भी लग रहा है, तो कुछ इस प्रकार का है। तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, हम अंत में आप लोगों को मिलाएंगे भी सनी देओल जी से। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से, और देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है हर तरफ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये जो इनका सनी सुपर साउंड है, ये मुंबई के जुहू बीच से सटे ही है, तो आप लोग जब कभी आएंगे तो यहाँ पे आप आसानी से आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक गाड़ी जो है वो सनी देओल को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, और अंदर का सीन देखिए कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे उनके सुरक्षा के लिए काफ़ी सारे सुरक्षा कर्मी भी है मौजूद है, और साथ ही काफ़ी सारे बाउंसर भी है कि कोई धक्का मुक्की ना करे, उनको संभाले, इसलिए ऐसा व्यवस्था किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इनका जो ये घर है, यहाँ पे देखिए सनी सुपर साउंड के अंदर में धर्मेंद्र जी का एक बंदूक लिए हुए फोटो लगा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो भाई साहब यहाँ पे देखिए सनी देओल का एक स्टैचू बना के लाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा फैंस है, और सभी से आप बोले भी है, उनके जो बाउंसर है, गार्ड है, वो मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए उनके फैंस जो है वो उनके गदर 2 का पोस्टर लेके आए हुए हैं, और अब तो गदर 2 हॉल में से बाहर आ गया है, तो अब G5 जो है उस पर आप देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे तारा सिंह गदर 2। और दोस्तों सनी देओल का जो बर्थडे होता है वो 19 अक्टूबर का होता है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है हैप्पी बर्थडे तारा सिंह का नारा लगा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे तारा सिंह। तो यही कुछ सीन है, तो दोस्तों पहले सुनिए कुछ देर के बाद, फिर आप लोग वो कुछ बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सनी देओल का स्टूडियो का नाम सनी विला है, यहाँ पे लिखा भी है, ये इसका मेन गेट है, और आप लोग देख सकते हैं पूरा मेन गेट बंद है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये क्रू आउट हो रहा है। और यही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इधर देखें तो देखिए सब लोग है ऐसे, और दोस्तों यहाँ पे देखिए सनी विला लिखा हुआ है, तो आप लोगों को दिखा दें नेम प्लेट ताकि आपको विश्वास हो जाए। और दोस्तों अगर आप लोग जुहू बीच पे आते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो सनी देओल का जो बेटा का किरदार निभाए हुए हैं उत्कर्ष, वो आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए शीशा के अंदर में है, और अभी बस निकलने ही वाले हैं, देखिए यहाँ पे निकले। हाँ, तो यही उत्कर्ष है जो कि गदर 1 में भी काम किए हुए हैं, और गदर 2 में तो काफ़ी बहुत सीन है इनका, तो आप लोगों ने देखा होगा, तो ज़रूर देखा होगा इनको। तो ये आए हैं अब बर्थडे मनाने के लिए तारा सिंह का, और ये अंदर चले गए। और दोस्तों इस तरफ आप लोग देख सकते हैं इनका गाड़ी, और फिर देखिए आप लोग, फिर आगे बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर भी सनी देओल के बारे में कुछ बता रहे, तो चलिए आप लोग कुछ पहले सुनिए तो फिर मैं आगे बताता हूँ। और इससे पता चल जाता है कि वो कितने पैट्रियोटिक है, और हम लोगों को इसलिए उनकी पिक्चर अच्छी लगती है, और इसलिए हम लोग बहुत कम हीरो है जो ऐसे मौके पब्लिक को देते हैं, इनको थिएटर में ये पब्लिक को ये मौके देते हैं कि वो भारत माता की जय के नारे सुनाई दिए जाए। अच्छा, बर्थडे विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू योर सनी पाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तारा सिंह। और दोस्तों यहाँ पे देखिए गदर 2 का जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे आए हुए थे बर्थडे मनाने के लिए, और यहाँ पे वो अपने गाड़ी में जा रहे हैं और लोगों को हाथ भी दिखा हिला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाउंसर जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारा बाउंसर है उनकी सुरक्षा के लिए, और यहाँ पे देखिए लोग बोल रहे हैं उनको गदर 3 लाने के लिए, और लोग से बात भी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ एक दो लोग फोटो ले रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार का सीन चल रहा है। और यही है गदर 1 और गदर 2 का आती डायरेक्टर, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, और जब भी कोई बाहर, और इनका BMW गाड़ी है, इसी गाड़ी से ये आते जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों अब ये जा रहे हैं, हम भी हाथ हिला रहे हैं, बाय।
तो दोस्तों फाइनली अब हम सनी देओल कुछ देर में बाहर निकलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग झूम रहे हैं, ढोल भी बज रहा है, पीपी भी बज रहा है और यहाँ पे सब मतलब क्राउड कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, सब डांस भी कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया वाले जो है वो फोटो कैमरा भी ले रहे हैं और ऊपर से, क्योंकि कुछ ही देर में बस अब सनी देओल बाजी बाहर निकलने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली अब बाहर निकल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं और सर पे कैप लगाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे देख सकते हैं और सबों के हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, क्योंकि फोटो और वीडियो बना रहे हैं। और नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लेकिन धक्का मुक्की में भी वो दिख रहे हैं अच्छे से, आप लोग भी देख सकते हैं सनी देओल पाजी को। और आज उनका बर्थडे है और उनका सिनेमा जो है गदर 2 वो G5 पे अब फिर से होगा, देख सकते हैं अगर देखना है किसी को तो, इसलिए आज इतना ज़्यादा भीड़ है और सब इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं मुंबई के जुहू में, इनके जो सनी सुपर साउंड है वहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार का सीन है आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की हो गया और उनको उनके बाउंसर है वो फिर अंदर लेके चले गए, इसलिए अब इनके बाउंसर बाहर की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए और काफ़ी ज़्यादा सबको अलग दूरी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होने के कारण ऐसा हो जाता है। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पे इनका गेट भी बंद कर दिया गया है और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारा लोग है, आप लोग देख सकते हैं इस तरफ और हर तरफ और कुछ इस प्रकार का सीन है। लेकिन वो सुबह से ही बोल रहे हैं कि सबको फ़ोटो मिलेगा तो आप लोग आराम से रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका पोस्टर भी है, तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम इनके जो जो सनी विला है इसके अंदर में आ गए हैं और यहाँ पे बोले हैं कि सबको लाइन में लग जाने के लिए और सबको फ़ोटो सनी पाजी देंगे, इसलिए हम भी लाइन में लग गए हैं और काफ़ी दूर तक है यहाँ पे देख सकते हैं। और पिछले बार बॉबी देओल जी का जो बर्थडे था वो का उसका फ़ोटो भी इसके अंदर में लगा हुआ है, इस तरफ उधर देखिए धर्मेंद्र जी का फ़ोटो लगा हुआ है और तो यहाँ पे देखिए एक काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ पे उनका धर्मेंद्र जी का जो, और बाहर की तरफ दिखाया तो देखिए कुछ इस प्रकार का और हम बीच में यहाँ पे खड़े हैं। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बोलना अलाउ नहीं है इसलिए मैं डबिंग करना पड़ेगा, तो डबिंग कर दिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं बॉबी देओल जी के जो बर्थडे था उसमें का फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा लाइन है। तो चलिए अब हम अब उनके जो है कैसे फोटो दे रहे हैं ये हम आपको वीडियो दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा चक्का जो उठा लिए हुए सारा से वो दिखा रहे हैं और यहाँ पे देखिए इसी के अंदर में सनी पाजी जो है वो बैठते हैं, लोगों से वहाँ से आए वो और बीच में बैठे यहाँ पे देखिए आप आराम से और फोटो लेंगे सभी लोग अपने अपना मोबाइल से फ़ोटो, उनका आदमी खींच देते हैं और फिर दे देते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से अंदर में चल रहा है, जब हमारा बारी आएगा तो हम भी खिंचवाएंगे। और यहाँ पे एंट्री हो रहा है वहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं, फ़ोटो लिए और अब सब लोग उठ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये काफ़ी बड़ा लंबा लाइन है। तो दोस्तों फाइनली हमने भी इनके साथ फ़ोटो एक दो ले लिया है, तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, आप लोग देख सकते हैं, तीसरा ये है, चौथा फोटो ये इस पोज में है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।